अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर साल बड़ा कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। और आइए अब तीन तस्वीरें आपको और दिखाते हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, ओम प्रकाश माथुर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी योग किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सतीश पूनिया की, जहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ योग करते नजर आए। भाजपा सांसद ओम प्रकाश माथुर भी अपने सहयोगियों के साथ प्राणायाम योग करते दिखाई दिए और भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने दिल्ली स्थित राजकीय आवास पर योगाभ्यास किया। उन्होंने सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति और कई प्राणायाम किए। वहीं उनका स्टाफ भी योग अभ्यास करता दिखाई दिया। आपको बता दें कि माथुर मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले नियमित रूप से योग प्राणायाम करते हैं। माथुर का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक रहने से अब तक की राजनीतिक व्यस्तता तक के बीच भी वो योग प्राणायाम जरूर करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही नियमित योग अभ्यास करने का आह्वान किया। पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत की प्राचीन योग पद्धति को फिर से प्रचलित किया है। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ के भादरा में योग अभ्यास किया। पूनिया का कहना है कि योग प्राणायाम उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी ने भी आज योग किया। अरुण चतुर्वेदी ने श्यामनगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास किया, तो दूसरी तरफ अशोक परनामी जनता कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में हुए योग शिविर में योगाभ्यास करते दिखाई दिए। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि वो नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक और योग प्राणायाम करते हैं। वहीं परनामी ने भी नियमित योग प्राणायाम करने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर में टोंक रोड स्थित मोहन वाटिका में पतंजलि योगपीठ की ओर से योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रामचरण बोरा, विधायक कालीचरण सराफ और अशोक लाहौटी भी योग अभ्यास करते दिखाई दिए। इस मौके पर विधायक कालीचरण सराफ ने लोगों से नियमित योग अभ्यास करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन पद्धति है, जिससे मानव शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।